चप्पलें बरस रही है, बिल्कुल चप्पल चप्पल हो गए। चप्पलें बरस रही है हमारे ऊपर। व्लॉग डालो, व्लॉग डालो, चप्पल देखो। हेलो गाइस, क्या हम छो बड़ा मजा माने। वेलकम बैक टू द व्लॉग। बहुत दिन बाद हम व्लॉग कर रहे हैं और दिक्कत ये हो गई कि हम आए गोवा से और यहाँ थी नवरात्रि और मैडम नवरात्रि में हो गई थी बहुत ज़्यादा बिजी। काम करती है मैडम बहुत बड़े। कुछ नहीं करती, पूछ लो किसी से भी। तो नवरात्रि में हमारे फैमिली की पूजा होती है नवमी के दिन, उसके लिए दो दिन बहुत व्यस्त रहते हैं आखिरी वाले, प्लस रात को गरबे होते हैं, प्लस हमारे पास गोवा के ब्लॉग्स पड़े हुए थे जो हमें एडिट करने थे। तो एडिटिंग थोड़ा बहुत गरबा देखा, एक दो दिन ही गए थे ज़्यादा नहीं, और फिर एक दो तीन दिन पूजा में बिजी हो गए तो ब्लॉग हुआ ही नहीं और आया ही नहीं। चलिए तो पूजा और इसके ब्लॉग की फुटेज यहाँ डाल दो ना, ताकि आज का ब्लॉग हम कंटिन्यू करें। आप तो आज है करवा चौथ, तो आज के दिन जो है नेहा कुछ भी नहीं खाएगी, एकदम भूखी भाकी रहेगी, एकदम कुछ भी एकदम बिल्कुल खत्म है सब। नहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं खाऊंगी, देख लेना। बस फिलहाल अभी एक कप चाय पी है, इसके अलावा कुछ भी खाया पिया नहीं। एक्चुअली हमारे यहाँ करवा चौथ जो है होती नहीं है, हम मजाक नहीं उड़ा रहे, जिनके यहाँ होती है अच्छी बात है, हम फुली रिस्पेक्ट करते, बट हमारे घर में करवा चौथ नहीं होती। फिलहाल संडे है और सुबह सुबह के बजे हैं। नहीं करती है, पर लड़के तो कर सकते हैं ना, ये मेरे को प्यार ही नहीं करता, इसलिए मैं करवा चौथ नहीं करता है। मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो आज क्या करेंगे, करवा चौथ की पार्टी? अच्छा, करवा चौथ की पार्टी करेंगे आज। बर्थडे तो थोड़ी है क्या, बर्थडे की पार्टी? करवा चौथ को तो करवा चौथ की पार्टी, करवा चौथ पे उपवास सेलिब्रेशन की पार्टी रखी जाती है ना। उपवास तो कोई मर मुरा जाए तो उपवास रख देते हैं, अरे यार खाना नहीं खाना मुझे यार, ठीक है। तो अभी बजे सुबह के 9 करीब करीब मुझे पहुंचना है क्लास में, क्लास है आज, आज संडे है तो भी मैंने क्लास रखी है, पर फिलहाल वो क्लास पहुंचते हैं और फिर समझाते हैं आपको। 9 तो बज ही गए, फटाफट क्लास चलते हैं। 9:30 क्लास है, इसको टाइम याद नहीं रहता है। 9 बजे आने वाले हैं 3-4 स्टूडेंट। तो ऐसा बोला करो, टाइम लिखा है 9:30, घर पे बोला है 9, गड़बड़े, सब गड़बड़े, चलो काम करने दो, जा बाय। तो गाइस क्लास के हम सीधा घर आ गए थे, थोड़ा बहुत काम क्लास पे करके और सो गए थे। तो अब हो चुकी है शाम और मैं और नेहा फिर निकल रहे हैं कुछ काम से, बाज़ार निकल रहे हैं, तो कुछ ढूंढना है, इधर उधर देखना है, सोच रहे हैं एक आध ऑफिस वगैरह की जगह देख लें, तो देखते हैं। दो दिन पहले व्लॉग में देखा था आपने कि पार्थी ने नई चप्पल पहनी। मैडम ने नई चप्पल पहन ली, वाह वाह, चप्पलें बरस रही है, बिल्कुल चप्पल चप्पल हो गए। आसमान से चप्पलें बरस रही है हमारे ऊपर। व्लॉग डालो, चप्पल देखते हमारे। चलो गाइस, हम घूमते घूमते आ गए ईवा मॉल और यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, वो एंजॉय कर रहे हैं हम लोग और हमारे ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। अभी तक परिस्थिति और रे भाई टच होने वाला है, चौका जाने वाला, चौका जाने वाला, ओ कितनी खुशी होती है एक चौका लगा दो तो लोग चिल्ला रहे हैं यहाँ पे। तो गाइज ऑर्डर हमारा आ गया है, जो कि है गरम गरम छोले, एकदम भाप निकल रही है, भटूरे, ये क्या है मुझे पता नहीं, और मैच चल रहा है भाई, मजा आ रहे हैं। हाँ ये करवा चौथ का खाना है हमारा। भाई विराट कोहली मैच पे आया है टिकट पे और क्या रिएक्शन है लोगों का, मतलब एक्साइटमेंट की हद है। अभी उसने कुछ नहीं किया, बस टच किया, लेकिन लोग एक्साइट हो रहे हैं, विराट कोहली आ गया ना पिच पे। क्या था? कुछ नहीं था, लड़की आई स्क्रीन पे, अरे भाई अरे बचा लिया, वेल फील्डेड, ये देख बचाया, फिर टकरा, खाली वाइड बॉल फेंकी उसने, कुछ भी नहीं हुआ, एक रन मिला और एक बॉल फुकट गई बस। आप तो सबको एक-एक चीज ऐसे बता रहे हो, वो सब लोग बैठ के देख रहे हैं घर पे लाइव, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन क्रिकेट जा रहा है, कौन कैसा एक्सप्रेशन दे रहा है।
घर पे बैठ के ऑलरेडी वीडियो देख रहे हैं मैच। ये वीडियो का टाइटल ही है कि इंडियन मैन रिएक्ट्स टू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वीडियो, समझी? इंडिया को जीतना चाहिए, वो तो हम सबकी इच्छा है। आज हर टेबल पे एक बच्चा बैठा हुआ छोटा, वो जैसे लोग चिल्लाते वो देखने लग जाता है कि सब लोग पागल हो गए, तो चिल्लाने लग जाते हैं। सब चिल्लाते हैं तो उसका चेहरा देखने लायक होता है। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या हुआ? ओबे कैच, आउट। ओबे आउट हो गया यार, व्हाट विकेट लूज कर दिए यार। रोहित शर्मा गया, ऋषभ पंत सॉरी रोहित शर्मा नहीं था, ऋषभ पंत। ओ रिस्पेक्ट यो भाई, ऋषभ पंत गया तो यहाँ पे रिस्पेक्ट में तालियां बजी, अच्छा मार के गया। मैं चला जाऊंगा आपके परसों, मेरे को भी डाल लो, तुम बोल लो। डाल सकते तो डाल ले, जब मैं डाल के घूमते हमेशा। अभी कोहली भाई है फील्ड पे, और बेस्ट पार्ट है अब तो पागलपन होने वाला है क्योंकि हार्दिक पांड्या आ रहा है। हम लोग बड़ौदा में बैठे हैं और हार्दिक पांड्या बड़ौदा का ही है। वो वहाँ स्टैंड पे खड़ा था ना, खाली जब हार्दिक पांड्या को दिखाते थे कि वो रेडी आने के लिए, तो पब्लिक जो चिल्ला रही है। अब वो आएगा तो पता नहीं क्या होने वाला है। भाई नेहा को कब से बोल रहा हूँ एक और आइसक्रीम ले आ, अरे आलसी यहीं बैठी हुई है। अच्छा मैं आलसी, मैं ये दोनों चीज मैं लेके आई थी, मुझे बोला था कि तू, मैं बोल रहा एक और लेके आ जा। नहीं लाना मेरे को, उठ के लाओ, मैं भी मैच देखूंगी, जरूरी थोड़ी हो क्या भी इंडिया के हो, मैं को भी मैच देखते, मैं मैच देखूंगी। आप तू लेके आएगा तो ला, पी जाओ तो लाओ, नहीं तो नहीं लाओ, मैं तो पी लिया, मैं तो बैठी मैच देखूंगी। जाना तो गाइस मैच चालू है, आइसक्रीम बाय आइसक्रीम बाद में आती रहेंगी, मैच देख। आलसी कौन है आलसी। हार्दिक पांड्या खाली वो खड़ा है और पब्लिक आवाज कर रही है। भाई जरा सा टच कर गया और एक रन बाद है, खतरनाक। भाई एक छक्का पड़े और लोगों का एक्साइटमेंट आसमान तोड़ देता है यहाँ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात ही अलग है भाई, सिर्फ छक्के पे नहीं, यहाँ पे लड़के ना सिर्फ लड़की को अच्छी दिख जाए स्क्रीन पे तो भी चिल्ला रहे हैं। अभी क्या है चिल्लाने के लिए, बस वो बॉर्डर खड़ा हुआ है लड़कियाँ। नहीं एक्साइटमेंट लोगों की पार नहीं लग रही भाई। हार्दिक पांड्या आउट भी हो गया 11 रन पे, वाइड आखिरी बॉल पे वाइड मिल गया। तो गाइस इंडिया की बैटिंग हो गई कंप्लीट, अब सब भागने लगे यहाँ से, हमारा भी खाना हो गया मेरे ख्याल से। अब पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान की बैटिंग घर पे जाके देखेंगे, चलें घर, चलो। गाइस इसको ऑलरेडी नई चप्पल ली और आज ऑलरेडी पैर में काट गया इसको। तो गाइस मैंने मैच देखना बंद कर दिया है, अब हम इस कंडीशन पे आ गए हैं कि मुझे रिजल्ट पता है, नहीं जीत रहे ऐसा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, अच्छा है जो भी खेले ठीक है। हम कोई जब होते नहीं जज करने वाले, क्रिकेट प्लेयर्स अपनी मेहनत करते ही होंगे, पर हार गए तो थोड़ा बुरा तो लगता है, कोई बात चलेगा। हालांकि अभी तक हारे नहीं है, पर अब बस चमत्कार ही बचा सकता है, मतलब बहुत बढ़िया खेल रही है पाकिस्तान की टीम, एक्चुअली अच्छा खेल रही है। चलो सोए, चलो को मतलब नहीं मैच देखने का, मोह माया है ये सब। चलो हम नहीं जीत रहे तो मोह माया है, नहीं तो अभी हम यहाँ बैठ के खुशी खुशी मनाते, मोह माया है ये सब।